इंडियन क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के अगेंस्ट कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को धमाकेदार अंदाज में अपने नाम किया। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडियन क्रिकेट टीम ने दो मैचों के टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीत लिया। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे और लास्ट टेस्ट मैच को इंडिया ने 7 विकेट से जीता। टीम इंडिया ने न सिर्फ ये कानपुर टेस्ट मैच जीता है बल्कि उन्होंने इस टेस्ट में वो अनोखा रिकॉर्ड स्थापित किया है जो क्रिकेट हिस्ट्री के 147 साल में आज तक नहीं हो सका। टीम इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही कमाल के को अंजाम दिया है। टीम इंडिया ने कानपुर टेस्ट मैच में फास्टेस्ट रन बनाने वाले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। मैच में इंडियन क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे तेज 50, सबसे तेज सेंचुरी, सबसे तेज 150 रन और सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, इस मैच की पहली इनिंग में इंडिया ने 250 रन भी सबसे फास्ट बनाए हैं। टीम इंडिया ने महज 3 ओवर में 50 रन पूरे कर टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा 50 रन का रिकॉर्ड बना दिया है। इसके बाद इंडिया 10.1 ओवर में 100 रन पूरे कर टेस्ट में सबसे तेज 100 रन का नया रिकॉर्ड बना दिया। इंडियन टीम ने टेस्ट में सबसे तेज 150 रन का रिकॉर्ड भी 18.2 ओवर में बना लिया, जिसके बाद 200 रन 24.2 ओवर में पूरे कर सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड पूरा किया। टीम इंडिया ने 30.1 ओवर में 250 रन पूरे कर टेस्ट में सबसे तेज 250 रन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। टीम इंडिया के इस रिकॉर्ड पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।